Hey my lovelies, welcome back to my channel. Today I'm gonna share with this makeup look. मैंने ये makeup look एक शादी में create किया था, which is my sister-in-law's marriage. And वहाँ से मुझे बहुत सारे लोगों ने compliment दिए कि ये makeup look बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब मुझे जो compliment मिले थे, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये वाला look share करूँ guys. And this is a very वेरी सिंपल लुक, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ब्राइड तैयार किया था एंड चार पांच लोगों को और तैयार किया था, तो मेरे को बिल्कुल मतलब आई जस्ट नॉट फीलिंग गुड कि मैं खुद बहुत अच्छे से टाइम देके अपने ऊपर तैयार हो पाऊँ. सो मैंने बहुत जल्दी वो मेकअप लुक को क्रिएट किया था, बट आज मैंने थोड़ा टाइम लेके ये लुक क्रिएट किया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है उस लुक में और इस लुक में. बट या उस टाइम पे भी मैंने फॉल्स लेसेस नहीं वेयर किया था और आज भी मैंने फॉल्स लेसेस नहीं वेयर किया है. तो मस्कारा ही आप तीन चार कोट अगर लगा लेते हैं तो आपका लुक अच्छा लगने लगता है. यू डोंट नीड टू फॉल्स लेसेस, बट दिस इज़ टोटली अप टू यू गाइज. अगर आप वेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वेयर कर सकते हैं. तो आज मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ. चलिए देखते हैं लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है. एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें, जिससे जब जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके. एंड अगर आपको मैं पर्सनली कहीं भी पसंद आती हूँ तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. वहाँ पर मैं न्यू अपडेट्स डालती रहती हूँ. मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर कर लेती हूँ कैसे मैंने इसको क्रिएट किया है. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्लम का मॉइस्चराइज़र. ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है. और अपनी स्किन को आप प्रेप करना ना भूलें गाइस, अगर आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं तो. एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर भी स्किप नहीं करना चाहिए अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए. देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन से ट्रू मैच कंसीलर. मेरे फेस पे थोड़े से इम्परफेक्शंस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है. इसे हाइड करने के लिए आप इस तरीके से, अगर आप कलर करेक्शन नहीं करना चाहते तो ये भी एक कलर करेक्शन में ही आता है. अपनी स्किन से ट्रू मैच कंसीलर लगा के अपने इम्परफेक्शंस को आप हाइड कर सकते हैं. एंड अच्छे से ब्लेंड करें एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से. देन मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ फाउंडेशन लगाने से पहले. इससे आपका जो कॉन्टोर है ना, बहुत नेचुरल लगता है. इस तरीके से आप ब्लेंड करें. आप अवर्ड डायरेक्शन में आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश से, एज यू प्रेफरेंस, आप जैसे भी ब्लेंड करना चाहें, जिससे भी ब्लेंड करना चाहें एक्चुअली, ब्रश से या फिर अपने ब्यूटी स्पॉन्ज से आप ब्लेंड कर सकते हैं. देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का लूज़ पाउडर. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फाउंडेशन. ये जो ट्रिक है ना, ये आपका जो समर्स है इसमें बहुत अच्छा काम आने वाला है. तो आप इस तरीके से अपने फाउंडेशन में लूज़ पाउडर लगाते हैं तो आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. देन मैं यहाँ पर अपने स्किन से टू शेड या थ्री शेड लाइटर्स कंसीलर लगा रही हूँ अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए. देन मैं लूज़ पाउडर से उसे सेट कर रही हूँ. देन मैं शुगर का फेस पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से मैंने कॉन्टोर को अपने सेट किया है उसके कंटोरिंग शेड से एंड ब्लश को सेट किया है. देन मैं स्प्रे कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे, एंड उसके बाद मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ सेम पैलेट से. इससे आपका हाईलाइटर बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. फिर हम करेंगे आई मेकअप. यहाँ पर मैं अपनी क्रीज को डिफाइन करने के एक लाइट शेड, पीच लाइट शेड कलर लिया है. देन मैंने पिंक शेड लेके मैंने अपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे लगा के ब्लेंड किया है. एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सेम कलर अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करूँगी. देन मैंने एक सिमर शेड लिया है, उसे अपने मिडिल आई पे लगा के ब्लेंड किया है. देन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ NYV का लाइनर. सारी प्रोडक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. देन मैंने मेवलिन का मस्कारा लगाया है. मस्कारा 2 से 3 कोट लगाया है ताकि मुझे फॉल्स लेसेस की नीड ना पड़े. एंड फिर मैंने यहाँ शुगर की लिपस्टिक लगाई है, पिंक लिपस्टिक अप्लाई किया है. एंड ये हो गई मैं शादी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.